So? So? हाँ है. I think... चेहरे पे साफ लिखा है बोलू जी, हाँ है. अरे भाभी, अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो. आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर. धन्य हो देवर जी. अरे पापा. हाँ सच प्रेम का है. Congrats. Thanks. हरीशचंद्र जी बधाई हो. अरे आप बैठिए ना. कृष्णकांत जी हमारी तरफ से रिश्ता पक्का. बस अब आप एक बार पूनम से पूछ लीजिए. अगर उसने भी हाँ कर दी तो हम जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे. बिट्टो छोटी उनकी तरफ से हाँ है. बिट्टो तेरा मन क्या कहता है बेटा? बाबूजी हाँ. जो पूछना था पूछा बेटा. एक आध बार और मिलना चाहेगी? जी जी कह रही थी वो बिल्कुल आप जैसे बाबूजी. पकली हरिचंद जी ये लीजिए. धन्यवाद धन्यवाद. आप बैठिए. चलिए बैठिए. आपका शरबत कहाँ है? मैं बस लेता हूँ. छोटे बाबू भाभी जी बुला रही हैं. अच्छा एक मिनट. जी जी कोई बात नहीं. कहा वे लोग सारी तैयारियां करके आए हैं. आज ही सगाई करना चाहते हैं. रईस खानदान से रिश्ता जोड़ रहे हो पहले बाकी बातें तो कर लो. सब कुछ लुटाने नहीं दूंगी. खुद की बेटी ब्याहनी बाकी है. सच रमा कभी कभी तो तुम हद कर देती हो. कृष्णकांत जी अंदर आ सकता हूँ? हरिश्चंद जी आइए आइए. भाभी जी दखलंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ पर अब जब दो परिवार एक होने जा रहे हैं तो चाहूंगा कि हमारे बीच में किसी किस्म का पर्दा ना रहे. मन में कोई पशुपेश मत रखिए. आज प्रेम को एक नारियल और 125 रुपये देकर अपना बना लीजिए. हमें पूनम चाहिए और कुछ नहीं. ये वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी है. आंटी, अबे आंटी नहीं चाची बोल. अरे आंटी चाची कैसे बन गई? अब आपके चाचा को इतनी पसंद आ गई तो हम क्या करें? और आने दीजिए. हाँ बस बस पापा चले गाड़ियाँ तैयार. हाँ हाँ चलो बेटा. अच्छा जी ये लो आपके लिए चॉकलेट. चाची दिल्ली चल रही हो. चाची बाद में आएगी. अच्छा अच्छा अरे अरे बेटा बस. अच्छा भावना जी. सिर्फ भावना कहिए चाचा जी. अरे 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 हमारे छोटे समधी जी. आपसे तो ठीक से दो बातें भी नहीं हो पाई. हरिश्चंद्र जी आपसे एक प्रार्थना है जी. कुछ समय निकालकर आप सब एक बार हमारे गांव सोम सरोवर जरूर पधारें. वहां अपना एक छोटा सा मकान है. कुछ दिन साथ में रहेंगे बहुत अच्छा लगेगा. आप जब कहें कृष्णकांत जी. अब तो हमें पूनम से मिलने का बहाना चाहिए. पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का जो निकाला है पंडित जी. अरे भाभी जी पंडित जी को कुछ खिलाइए पिलाइए. शादी की तारीख जरा नजदीक की निकलवाइए ना. तो अगले महीने का सोम सरोवर का कार्यक्रम तय रहा 100%. अच्छा नमस्कार. अच्छा नमस्कार जी. अरे आप क्या समधी जी की तरफ से नमस्कार कर रहे हैं? आपको भी तो चलना है.
मैं तो भूल ही गया। आप तो हमारे साथ बारात में शामिल होने वाले हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं जी, भगत जी तो हमारी तरफ से बारात का स्वागत करेंगे। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं अंकल? क्या है, मुझे इधर से भी इनविटेशन है और उधर से भी, मुझे रोकने वाला कौन है? बारात आएगी, स्वागत कर लूंगा, और बारात वापस जाएगी, बारात में शामिल हो जाऊंगा। क्यों, ठीक ठीक बोल रहा हूँ मैं? ठीक बोला। अरे ठीक क्या बोला, आप भी भगत जी। जी जी एक मिनट, क्या है? अरे आओ तो सही। छोटी छोटी नीचे सब। जीजा जी आप पर ही हमारा एहसान रहा। जी हरिश्चंद्र जी, जी हाँ, हम तो सोम सरोवर पहुंच चुके। आप लोग कब पहुंच रहे? अच्छा, बढ़िया है। फिर तो शहर के बाहर जो बस डिपो है वहां से बाएं मुड़ जाइएगा, पक्की सड़क है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अच्छा हाँ, बस आपका इंतजार है। आइए आइए। भाभी इस समय सोम सरोवर की जलवायु कैसी होगी? अरे वाह, आप तो अभी से पूनम की भाषा बोलने लगे। ओ जी जी, जी जी जल्दी आओ, वो लोग आ गए, जल्दी किलोमीटर मार्ग शेष है। सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठा रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे। ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, लाओ मैं बनाता हूँ मिठाई।